Hi guys, welcome back to the channel and another oven fresh video. That is part 2 of back to college after 5 years. So mere sath hai Rohit, jinse aap pehle bhi mil chuke hain last wale vlog mein. To Rohit ek bar bhai hi. And hamare sath ek aur bhai hai apna Saurabh. एक बार ये हाथ आया सौरभ के पीछे से तो मिलते हैं आपको सीधा कॉलेज, क्योंकि लास्ट टाइम तो हम कुछ नहीं दिखा पाते कॉलेज के इतना. इस बार दिखाते हैं, मिलते हैं सीधा कॉलेज. टिल द टाइम कुछ सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो, मिलते हैं सीधा. बाय. ये है पूरे कॉलेज का आउटर पार्ट. ये सीधी रोड आती है एंड ये पूरा पार्किंग एरिया है. एंड ये है कॉलेज का हमारे मेन एंट्रेंस. आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है इस साइड. आपको ये ग्रीनरी दिल्ली में नहीं मिलेगी. तो इफ़ यू आर अ नेचर लवर, डू विजिट दिस प्लेस वंस. तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपने कॉलेज. ये है कुछ इंटीरियर जैसे एंट्री में दिखाया मैंने आपको. बाकी मिलवाता हूँ आपको एक बार टीचर से अंदर और दिखाते हैं क्लासरूम हमारी, लैब्स 4 साल कैसे के अंदर. तो मिलते सीधा अंदर, चलो आ जाओ. तो गाइस, ये है हमारे कॉलेज का एडमिन ब्लॉक. आप देख सकते हैं पीछे ये. एंड सो जैसे ये लाइक मेन गेट से एंट्रेंस करते ही राइट साइड में ये मेन ब्लॉक है, जहाँ पे लाइक आर चेयरमैन सो आर डायरेक्टर्स एंड अदर मैनेजमेंट सेट. एंड देन फॉर अदर थिंग्स हम इस रास्ते से आगे जाते थे. एंड पीछे बिल्डिंग्स है, इसके पीछे बिल्डिंग्स हैं, इसके पीछे बिल्डिंग्स हैं. एंड ये है सामने एमबीए ब्लॉक. तो इसको आगे फर्दर दिखाते हैं कैसा. मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे एक बहुत ही डेयर सर थे, हैं अभी, देवदत्त सर. सर वेलकम, बड़ा अच्छा लगा सर मिल के आपसे ना इतने दिन बाद. मतलब धन्यवाद. और कैसा सर, आप ठीक हो अभी तबीयत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर. अच्छा लगा मतलब देख के इतने दिन बाद. मेरे को भी बड़ी खुशी हुई. मैकेनिकल के बच्चे जो है आए आज कॉलेज का वो विजिट करने और बहुत अच्छा लगा. बाकी सर कैसे थे हम लोग? सर बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया सर. सही से बताना सर. सही बता रहा हूँ. मतलब इतने अच्छे थे, मतलब एक जो है अपना बना लेता था सब टीचर्स को बच्चा. ये मेहनती भी और होशियार भी. सर एक बार इधर. शाबाश बेटे, आयुष्मान भव, सदा खुश रहो. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. ओके सो गाइस, ये है हमारा बॉयज हॉस्टल. एंड आफ्टर दैट इफ यू मूव, दिस इज हिमालय ब्लॉक. दिस इज हिमालय ब्लॉक. एंड आफ्टर दैट दिस इज पामिर ब्लॉक. एंड ये है हमारा स्टेज जहाँ पे कॉलेज के इवेंट्स होते थे. सो गाइस, दिस इज हाउ एग्जैक्ट कॉलेज लुक्स लाइक. बड़ा मज़ा आता है यार. एंड एक सजेशन, जो भी कोई कॉलेज को मिस करता हो, जिसको अपना कॉलेज टाइम याद आता हो, डू गो बैक टू योर कॉलेज वंस एंड फील किया करो यार. एक जगह जहाँ पे आपने 4 साल निकाले अपने, अच्छा लगता है देख के, पता है बहुत प्यारा लगता है. एंड ये फेवरेट जगह होती थी सारे कॉलेज के बच्चों की, बिकॉज बड़ी प्यारी बिल्डिंग थी. और एक होता ना कि मैनेजमेंट कोर्सेज बड़े कूल लगते हैं, लोग एकदम फॉर्मल चीज़ें, तो लोगों को अब एक सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता था. रेस्ट इस कॉलेज में यू विल फाइंड बीटेक कोर्सेज, एमबीए, मैनेजमेंट कोर्सेज, फार्मेसी कोर्सेज इस बार. तो रेस्ट मैं आपको मिलवाऊंगा अभी कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं कौशिक सर एंड मैम है. मैं मिलवाता हूँ आपको फर्दर बाकी हमारी मैम से, जो कि मेजरली मैनेजमेंट HOD हैं. तो एक बार आपको लेके चलते हैं अपनी क्लासेस. एक क्लास दिखाते हैं जहाँ पे एक क्लास में, जिस क्लास में मेरे 4 साल निकले हैं, 3 साल, चार साल बेसिकली. मतलब क्लासेस चेंज होती रहती है ऑल दो, बट मिलवाते हैं एक बार आपको, क्लास दिखाते हैं, चलो.
ये हमारे कॉलेज का मेन एंट्रेंस एंड रिसेप्शन एरिया। ये बेसिकली उन बच्चों के नाम हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी टॉपर थे। ये थी हमारी स्टेशनरी शॉप एंड ये रूम होता था हमारे टीचर्स का स्टाफ रूम, रेस्ट हल शो। ये था हमारा इन बिटवीन प्लेग्राउंड भी था एक छोटा सा जिसमें यू कैन प्ले बैडमिंटन एंड ये सब। इतना अच्छा लगता है यार, मतलब अपने कॉलेज में दोबारा जाना सारे एटलीस्ट। तो गाइस ये था हमारा रूम नंबर 603, दैट इज मैकेनिकल सेकेंड ईयर। तो इट वॉज लाइक कि जब मैं कॉलेज में आया तो पिछले ब्लॉक में होता था इनिशियल सब फर्स्ट सबका कॉमन होता है, जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उनको पता होगा। रेस्ट एक बार, ये थी मेरी क्लास। आई यूज टू सिट ऑन दिस बेंच, आई यूज टू सिट ऑन दिस बेंच ऑन दिस सीट एंड ये थी हमारी क्लास गाइस। इतना अच्छा लग रहा है यार आज देख के ना, वो रिटर्न कॉलेज में लाइक इस क्लास में 5 साल बाद आ रहे हैं। लिटरली कुछ चेंज नहीं, वो वैसा ही है सेम, सारे फैसिलिटीज जो भी चीज़ें मैटर आउट करती हैं सब कुछ प्लेन्ड। इस वही क्लास में सोचिए 3 साल इस वही पढ़ाई करी है, 1 साल दूसरे में। तो गाइस ये है, ऑल दो कॉलेज बहुत अच्छा है, हूएवर इज प्लानिंग टू कम टू द कॉलेज दे शुड कम। एंड गाइस ये थी हमारी मैकेनिकल की लैब्स। इफ यू कैन सी सारे हीट पंप्स, आइस प्लांट्स सारे हैं यहाँ पे, जो भी चीज़ें पढ़ाई में ज़रूरी होती हैं, जो प्रोजेक्ट्स बच्चे काम करते हैं। मैकेनिकल में स्पेशली इंपॉर्टेंट है कि आपको इंजन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये पूरे बाइक के इंजन, कार के इंजन, रेस्ट ये है आपका कार के इंजन पूरा। तो एवरीथिंग इज वेरी मच सॉर्टेड इन दिस कॉलेज एंड वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत अच्छा था यार। इसी अलग अलग फ्लोर पे ना अलग अलग क्लासेस होती थी, लाइक ठीक है ग्राउंड फ्लोर पे इस डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, देन ऊपर बीएड है। लाइक बाकी हमारी और लैब होती थी, जैसे एक लैब है एनिमिक्स ऑफ टी ट्रांसफर लैब, मैकेनिकल की लैब्स होती थी। ये है वो लैब्स जहाँ पे 5 साल 4 साल हमने 4 साल पढ़ाई करी है एंड कैन यू सी एट द बैक के मशीन्स लगी होती थी। ये हमारे सर है दीप्ता सर जो हमारे लैब इंचार्ज होते थे, एक बार मिलवाते हैं। गुरु जी ठीक हो? हाँ बढ़िया सर। कैसे मतलब लैब तो वैसे ही सर एकदम कई चेंज हो गए सर, नए नए ऐड हो गए सारे मशीन। ये उसके हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर मशीन है। ये सब वही है मशीन जो हमने 4 साल पढ़ाई करी है, बाकी कुछ मशीन दो होंगी है। अच्छा हाँ हाँ जी। आप अगर ये देख सकते हो तो ये लाइक ये कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स हैं जो बच्चों ने बनाए हैं। ये जी ये प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाया है पूरा एग्जैक्ट एंड ये देख सकते हो आप मशीन है। ये भी प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाया है। डेमोन्स्ट्रेशन लाइक जो 2-स्ट्रोक इंजन, 4-स्ट्रोक इंजन, पेट्रोल डीजल इंजन होते हैं कि इनके डायमेंशन। सो गाइस इन होल हूएवर इज प्लानिंग टू कम टू द कॉलेज एंड टू गेट एडमिशन इनटू इट, वन ऑफ द बेस्ट सजेशन इन गुड़गांव एंड इन दिल्ली एनसीआर। इफ यू एक्चुअली वॉन्ट टू लर्न डू कम एट WCTM। एंड यस गाइस एक और चीज़, यहाँ पे फी स्ट्रक्चर के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं कि कैश पे करना है, कार्ड पे करना है, कुछ भी। यू हैव अ वेरी कन्वीनियंट ऑप्शन दैट इज ऑफ पेटीएम। तो आप यहाँ पे आके पेटीएम से भी इजीली अपना कैश पे, आप अपनी फीस, अपने बाकी स्ट्रक्चर्स पे आउट कर सकते हो, जो कि इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन नाउ डेज। इन होल बेस्ट ऑप्शन इन दिल्ली NCR टू गो विद योर डिग्री कोर्सेज, टू गो विद योर टेक्निकल कोर्सेज बेसिकली, बिकॉज कॉलेज इज बिंग रन बाई XITians and everyone, so this is how. Good morning, I'm Dr. Himani Awasthi. I'm head of the Department Business Administration at WCTM. WCTM is affiliated to NTU, which is State Government University, and we are an AICT approved college. Our promoters are Dr. Narendra Singh and Dr. Ritu Singh. They both are ex-IITians.
They not only emphasize on academics, but overall development of the student. What are the strengths of our college? Over to our director. Good morning. I am retired Brigadier Rakesh Kaushish. I am director of the college. This college, the question arises is why WCTM? So I would summarize in three or four statements. First, the infrastructure of the college. You come and see for yourself that we have a very high standard of infrastructure, both technically and administratively. Secondly, our focus is on providing quality education. We focus on two or three aspects. Firstly is your basic qualification, that is your graduate, that is BTech or BBA course. Second is additional technical skills, depending on what is the requirement, present requirement of the industry. In this, we conduct various technical trainings so that a student is market ready by the time he finishes his course. And in the third part, we focus on his overall personality development. And finally, we focus on placements. Now, I have no hesitation in saying that all eligible students get 100% placed. So, come and see this college for yourself. And remember, a world of opportunity awaits you. Thank you. ये था इन होल कॉलेज का टूर. 5 साल बाद यार बड़ा मज़ा आता कि बाकी अब आप लोगों ने देखा लाइक हाउ डायरेक्टर्स एंड लाइक पूरा कॉलेज मेरी क्लास देखी आप लोगों ने. तो आई होप आप सब रिकलेक्ट कर पाए हो अपने टाइम पे एंड हाउ योर 4 ईयर्स वेंट आउट. कॉलेज का एड्रेस एंड बाकी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो इफ़ यू वॉन्ट टू विजिट एंड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सन डू कम टू दिस प्लेस. एक बार मिलते गाड़ी में, चलो बाय. सो गाइस ये था अपना आज का पूरा डे आउट in whole how my college was and what are the facilities and all given in the college. So agar aapko video achhi lagi ho and if you were able to recollect it with your college time, do give a hit on the like button, do comment, share and subscribe the channel and keep supporting Traveling Engineer. Bye.